Good evening to all. गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग टू ऑल जल्दी से लाइव आ जाए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं गुड इवनिंग टू ऑल सभी को नमस्कार प्रणाम ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सभी को नमस्कार प्रणाम वॉइस आ रही है बच्चों दुण 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 दुण। सबसे पहले बात करते हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज अपने चल रही है और एक या दो दिन के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज जितने भी है वो कंप्लीट हो जाएगी अब उसके बाद में अपना नया पोर्शन लेंगे टाइफॉयड फीवर की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फीवर है जो हर प्रकार की बीमारी जिसके अंदर होती है जैसे कि मलेरिया है टाइफाइड है डेंगू है ये मोस्टली कॉमन होती है तो इस टाइफाइड फीवर के अंदर अपने सारी सारी बातें पढ़ेंगे Osionfish. कौन सी जांच करते हैं कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे अपन तो सबसे पहले बात करें सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में एडिंग डालिएगा टाइफाइड फीवर जिसको बोलते हैं एंट्रिक फीवर टाइफाइड फीवर जिसको बोलते हैं एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है टाइफाइड फीवर को दूसरा किस नाम से जाना जाता है एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं आपको याद रखना बहुत जरूरी है मैंने आपको कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जितने भी नोट्स बनाए हैं वो आपको याद करना है लिखना है क्योंकि ये जो नोट्स है वो आपके आगे लाइफ के अंदर काम आने वाले हैं इसके अंदर एक एक लाइन है उसका इम्पोर्टेंस होता है महत्व होता है देखिएगा सबसे पहले जो टाइफाइड है ए बाय किस कारण से टाइफाइड होता है तो सालमोनेला टाइफी या सालमोनेला टाइफी ए और बी की वजह से होता है तो टाइफाइड वाला है अरे बच्चों वॉइस आ रही है? वॉइस बिल्कुल सही आ रही है ठीक है अब देखिएगा टाइफाइड काल्ड बाय सालमोनेला टाइफी है ना सालमोनेला टाइफी के द्वारा होता है दूसरा सालमोनेला टाइफी की बात करें तो टाइप ए और टाइप ए एंड टाइप बी ए एंड बी ये दोनों की वजह से होता है सालमोनेला टाइपी एक बैक्टीरियल डिजीज है और यह क्या है एक ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना अब देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से एफियर होता है हमेशा एग्जाम के अंदर आता है कि टाइफाइड इज कार्ड बाय टाइफ इज कार्ड बाय साल टाइपी तो एक क्वेश्चन यहाँ से एफियर होता है दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड जिसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद में वो बैक्टीरिया है ग्रोथ करता है बॉडी के अंदर और ग्रोथ करने के बाद में वो फर्स्ट सिम्टम अपीयर करता है तो एंट्री करने से लेकर के जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होते हैं उसके बीच के काल को क्या बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड और टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है दस से चौदह दिन होता है ठीक है यह बात आपको क्या रखना है ध्यान रखना है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद में अपन बात करते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में अब रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है मैंने कई बार एक हर जो डिजीज है उसके अंदर बताते आ रहा हूं टाइफाइड इज ए जीआई ट्रैक्ट इंफेक्शन या वोटर बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज है तो इस प्रकार से टाइफाइड का जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा है ना जी ट्रैक्ट से होगा ठीक है या अपन बोल सकते हैं कि ये एक जी से होने वाली बीमारी है तो ये हो गया उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन दूसरी बात करते हैं कि टाइफाइड किसके माध्यम से होता है रूट तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया परंतु किसके माध्यम से होगा मोड का मतलब होता है माध्यम एमओटी लिखा हुआ मैंने इसका मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका मतलब क्या हुआ मोड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड का मतलब होता है माध्यम किसके माध्यम से बॉडी के अंदर एंट्री करता है मैंने आपको बताया था कि फीको ओरल रूट के द्वारा ये इनका क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तो फीको ओरल रूट फीको ओरल रूट फीको ओरल रूट के द्वारा होता है दूसरी बात करते हैं तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कंटामिनेटेड वाटर अब कंटामिनेटेड वाटर है जो दूषित पानी है और उस पानी के अंदर सालमोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है और उसके बाद में वो पानी अपन बॉडी के अंदर लेते हैं इंसर्ट करते हैं दूषित पानी है गंदा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है टाइफी हो सकता है टाइफाइड हो सकता है एंट्रिक फीवर होने की संभावना रहती है दूसरी बात करते हैं इसके अंदर गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो गंदी पानी के अंदर उगाई जाती है और उसके बाद में अपन मार्केट में थैली में डाल करके लाते हैं झोला भर करके और उसको खा बनाते हैं उसको खाते हैं जिसकी वजह से भी ये होता है उसके बाद में लिखा हुआ है लैक ऑफ पर्सनल हाइजिन मतलब अपने खुद की स्वच्छता नहीं रखते हैं आप खुद साफ सफाई नहीं रख पाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, कि है वो बॉडी के अंदर एंट्री करेगा उसके बाद में लिखा हुआ है ऑफन डिफिकेशन है ना खुले के अंदर मल त्याग करना ऑफन डिफिकेशन का मतलब होता है खुले के अंदर मल त्याग करना मैंने आपको बताया था कि इस टूल के अंदर साल्मोनेला टाइफी होता है उसका बैक्टीरिया हो सकता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये इसका क्या हो गया माध्यम हो गया मतलब माध्यम हो गया रूट हो गया सॉरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया तो साल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा फीको ओरल रूट हो सकता है कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है ठीक है ना गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां यूज करने की वजह से हो सकता है अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखने की वजह से हो सकता है ओपन डिफिकेशन की वजह से हो सकता है ठीक है ना ये क्या है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया अब नेक्स्ट बात करते हैं एज की अब एज की बात करते हैं तो जिसके अंदर बिलो द फाइव बट में अफेक्ट ऑफ द एनी एज ग्रुप क्योंकि टाइफाइड किसी का नहीं है टाइफाइड कभी भी किसी भी एज के अंदर होने की संभावना रहती है परंतु मोस्टली जो होने की संभावना रहती है वो पांच साल से कम उम्र के अंदर देखने को मिलती है अब बात करते हैं सीजन सीजन का मतलब हुआ कौन सी ऋतु के अंदर होगा सीजन का मतलब क्या हुआ ऋतु रेनी सीजन बट में अफेक्ट एनी सीजन रेनी सीजन के अंदर होता है परंतु किसी भी सीजन के अंदर कोई भी मौसम के अंदर होने की संभावना रहती है टाइफाइड के अंदर परंतु बारिश के मौसम में ज्यादा होता है टाइफाइड क्यों होता है मैंने आपको पहले बता दिया था उसके बाद में बात करते हैं सॉरी सेक्स है ना मेल और फीमेल के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो टाइफाइड होता है वो किसके अंदर होता है मोर कॉमन अमॉन्ग फीमेल एज कंपेयर द मेल है ना फीमेल के अंदर टाइफाइड होने की संभावना ज्यादा होती है ठीक है ना कंपेयर टू मेल ठीक है ये भी आपको क्या रखना है ध्यान रखना है अब इसके अंदर क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन सा था बच्चों एक तो उसका ऑर्गेनिज्म था वो इनका इम्पोर्टेंट था दूसरा जो इसका इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो था इंक्यूबेशन पीरियड अब इंक्यूबेशन पीरियड ये इंपोर्टेंट है कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ये इंपोर्टेंट है यहां तक के लिए उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से आएगा कि टाइफाइड होता है तो ये मोड ऑफ इनके ट्रांसमिशन है तो तीन क्वेश्चन यहां से अपियर हो गए उसके बाद में अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीसर के अंदर से भी क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना क्लिनिकल फीचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना बच्चों हेडिंग डालिएगा क्लिनिकल फीचर हेडिंग डालिएगा क्लिनिकल फीसर ऑफ द टाइफॉइड फीवर अब इनके अंदर देखिएगा बच्चों सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड के अंदर क्या देखने को मिलता है इसका ट्रीटमेंट लिखाऊंगा जो आप घर पे कर सकते हो लास्ट में बताऊंगा ध्यान रखना कहीं जाना मत सबसे पहले बात करते हैं कि मरीज को फीवर आएगा क्या देखने को मिलेगा फीवर मिलेगा बुखार आएगा बुखार कंडीशन देखने को मिलेगा डेली टेम्परेचर राइज होगा टेम्परेचर क्या होगा कि हमेशा बढ़ेगा ये इस टाइफाइड के अंदर देखने को मिलता है टाइफाइड के अंदर फीवर है वो बढ़ेगा डेली बढ़ेगा ठीक है ना जिसके अंदर फीवर का पैटर्न की बात करें फीवर के पैटर्न की बात करें फीवर के पैटर्न की बात करें फीवर पैटर्न फीवर के पैटर्न की बात करें तो इसका अंदर पैटर्न रहेगा स्टेप लेडर फैशन ये इंपोर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है मरीज को जो फीवर आता है वो फीवर कैसे रहेगा स्टेप लेडर फैशन के अकॉर्डिंग रहेगा जैसे स्टेप लेडर फैशन का मतलब क्या हुआ जैसे सीढ़ियां होती है ना सीढ़िया जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो इस प्रकार से सीढ़िया होती है ये। तो इसके अंदर जो फीवर रहता है टाइफाइड के अंदर वो स्टेप लेडर फैशन के अकॉर्डिंग रहेगा जैसे सीढ़िया होती है मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि फीवर डेली बढ़ेगा मतलब आज से इस प्रकार से फीवर क्या है हमेशा आगे की आगे तरफ बढ़ता है ये ध्यान रखना है पहला क्वेश्चन रहेगा दूसरा यह है कि मरीज को क्या होगा थकान महसूस होगी जिसको फटीग बोलते हैं उसके बाद में एबडोमिनल या एब्डोमिनल पेन हो सकता है देखो एबडोमिनल पेन मतलब ये जी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर यहां जी ट्रैक्ट में गड़बड़ घोटाला होगा इस कंडीशन के अंदर मरीज को हल्का हल्का पेट दर्द होगा पेट में दर्द होगा और दूसरा लिखा हुआ है क्रैम्प लिखा हुआ है क्रैम्प का मतलब होता है कि कई बार बार क्या होता है मरोड़ों वाला दर्द होता है तो या तो मरोड़ों वाला दर्द हो सकता है या पेन होगा फीवर रहेगा और फीवर एक रहेगा स्टेप बाई स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ेगा डेली राइज होगा उसके बाद में है एनोरेक्सिया रहेगा एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना अब आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की डिजीज के अंदर भूख खत्म हो जाती है ऐसा कहीं आपने देखा है कि बीमार हुए और भूख बढ़ गई तो एनोरेक्सिया इज द कॉमन साइन ऑफ द एनी डिजीज एनोरेक्सिया इज द कॉमन साइन ऑफ द एनी टाइप्स ऑफ द डिजीज एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ द अपेटाइट लॉस ऑफ दाइट भूख नहीं लगना भूख नहीं लगना ध्यान रखना उसके बाद में क्या होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा वेट लॉस होगा अर्लियर देर इज द कॉन्स्टिपेशन अब ध्यान रखना ये वाला जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत ध्यान रखना कि शुरुआती कंडीशन के अंदर टाइफाइड के अंदर क्या होगा कि अर्लियर देर इज द कॉन्स्टिपेशन कब्जी होगा उस मरीज को कब्ज हो सकती है उसके बाद में आफ्टर टू तो, टू थ्री डेज दो से तीन दिन के बाद में क्या होगा? पी सूप डायरिया, है ना? पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मरीज को जब टाइफाइड होता है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत मरीज को क्या होगा कि शुरुआती कंडीशन के अंदर कब्जी हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी परंतु दो या तीन दिन के बाद में टाइफाइड होने के बाद में क्या होगा पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइफाइड के अंदर मैं टी लिखता हूं और पी का मतलब होता है पी सूप डायरिया ये इस प्रकार से ट्रिक याद कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कोलेरा होता है उसके अंदर बच्चों कोलेरा के अंदर किस टाइप का डायरिया होता था लिख के बताओ कमेंट्स देखता हूं मैं कोलेरा के अंदर किस टाइप का डायरिया देखने को मिलता था या किस प्रकार का स्टूल पास हो रहा था मैंने कल क्लास में बताया था लिखिए देखिएगा कोई नहीं लिख रहा है राइस राइस वाटर अंशु कुमारी राइस राइसवाटर, इंद्रजीत राइस राइसवाटर, इंदु कुमारी राइस सभी ने सही लिखा है तो इस प्रकार से एग्जाम के अंदर ये दोनों ही मिलते जुलते वर्ड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के अंदर कई बार देखने को मिलता है देखिएगा कोलेरा के अंदर मैंने आपको लिखाया था आरसी और टाइफाइड के अंदर लिखाया है टीपी अब इस प्रकार से ध्यान रखना है बच्चों ये ट्रिक याद रखना है नहीं तो एग्जाम के टाइम में क्या होता है कपाल के अंदर प्रेशर होता है और उस प्रेशर की वजह से गड़बड़ घोटाला हो सकता है मतलब कि ऊकड़ सुकड़ होने की संभावना पूरी 100% रहती है बैंकर रहती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कोलेरा होता है सी का मतलब होता है कोलेरा और आर का मतलब होता है राइस वाटर तो कोलेरा के अंदर स्टूल होगा वो राइस वाटर टाइप का होगा मतलब सावल का पानी मांड जैसा दस्ते लगेगी नदी बहेगी अब जब वाइट राइस वाटर देखने को मिलता है है ना सफेद सफेद दस्ते निकल रही है तो अपन बोल सकते हैं कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कोलेरा डिजीज एजा से ग्रस्त है परंतु यदि मैं कहूं कि जब स्टूल पास हो रहा है उस स्टूल के अंदर एक ग्रीन कलर आ रहा है है रहा है है ना ना ग्रीन स्टूल पास हो रहा पे क्या लिखा पी सूप पी का मतलब होता है मटर 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 का सूप पिए कभी तो उस प्रकार से मटर के दाने से ग्रीन होते हैं और उस प्रकार से ग्रीन ग्रीन दस्ते लगती है तो जब मरीज को जब बच्चे को ग्रीन दस्ते लगती है तो ऐसा कंडीशन के अंदर अपन भाप सकते हैं कि ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड ठीक है तो ये दोनों ही ट्रिक याद रखना है एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आता है कोई स्टूल से रिलेटेड तो इससे क्वेश्चन नहीं जाएगा अब ये एक नंबर हो गया आपके ऊपर वाले जेब के अंदर परंतु आपको ट्रिक याद रखना होगा अब देखिएगा इस क्लिनिकल फिशर के अंदर इस क्लिनिकल फिशर के अंदर आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन से हैं एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहां पे कि जब फीवर आ रहा है तो हमेशा फीवर क्या होगा बढ़ेगा और फीवर का जो पैटर्न मैंने आपको लिखा था लिखाया था पैटर्न लिखाया था वो है स्टेफ लेडर फैशन ये स्टेप है स्टेप लेडर फैशन मतलब इस प्रकार से सीढ़ियां बढ़ती है उसी हिसाब से फीवर क्या होता है राइज होता है डेली डे, डेली टेम्परेचर राइज होगा दूसरा आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो स्टूल पास हो रहा है स्टूल पास हो रहा है तो कैसा हो रहा है पी सूप डायरिया देखने को मिलेगा जिसे ग्रीन डायरिया मैंने लिख दिया है अब आपने देखा होगा कि टाइफी जो गोल ब्लेडर के अंदर इंफेक्शन को ज्यादा बढ़ा देता है मतलब मैं कहूं कि गोल ब्लेडर के अंदर जाकर के इंफेक्शन खोज करेगा और आपने देखा होगा कि गोल ब्लेडर के अंदर जो बाइल होता है है ना वो कैसा होता है वो ग्रीन होता है और उस ग्रीन बाइल का क्या होगा वहां से सिक्रेट होगा और स्टूल के अंदर आएगा और स्टूल के थ्रू पास होगा ठीक है तो इसलिए पी सूप डायरिया देखने को मिलता है है ना जो गोल ब्लेडर है ना गोल्ब्लेडर के अंदर जो बाइल होता है है ना और वो ग्रीन बाइल होता है वो इंफेक्शन की वजह से क्या होता है कि वो सिक्रेट होगा है और वहां से सिक्रेट होगा बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद में स्टूल के थ्रू बाहर आएगा तो इस प्रकार से टाइफाइड के अंदर क्या होगा पीस रूप डायरिया देखने को मिलेगा बच्चों यहां तक समझ में आ गया अब बात करते हैं डायग्नोसिस की अब इसके अंदर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर आने लायक है इसके अंदर भी देखिएगा डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं डायग्नोसिस का मतलब हुआ है कि निदान एक मरीज अपन के पास में आता है जब पेशेंट इकम इन हॉस्पिटल है ना तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसको पूछते हैं आपको क्या दिक्कत हुआ तो उस कंडीशन के अंदर मरीज बोलता है कि मेरे को तीन दिन से बुखार है परंतु बुखार है कि हमेशा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है एक सिम्टम तो अपने मालूम पड़ गया कि हाँ कंडीशन क्या हो सकती है कि टाइफाइड फीवर हो सकता है दूसरा मरीज आके बोलता है कि जो बच्चे को दिक्कत हुआ है दस्ते लग रही है उस दस्तों के अंदर क्या है कि ग्रीन ग्रीन दस्ते हो रही है उस कंडीशन के अंदर अपन भाप सकते हैं कि पी सूफ डायरिया होने की संभावना है मतलब टाइफाइड हो सकता है तो उस कंडीशन के अंदर अकॉर्डिंग टू साइंस सिम्टम फिजिकल एग्जामिनेशन उस मरीज के लिए करेंगे अब देखिएगा सबसे पहले स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग करते हैं जिसके अंदर सैंपल लेते हैं ब्लड है ना ब्लड का सैंपल लेते हैं और उससे क्या कर देते हैं स्टेनिंग करते हैं ब्लड लेते हैं ब्लड के अंदर क्या करते हैं माइक्रोस्कोपी से देखते हैं उसके बाद में क्या करते हैं स्टूल सैंपल लेते हैं अब स्टूल के अंदर टाइप भी है नहीं है उसको भी जांच करते हैं उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग करते हैं

डिप्थेरिया और टाइफॉइड्स अब डिप्थेरिया के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों लिखिए और टाइफाइड के अंदर तो विडाल टेस्ट करते हैं डिप्थेरिया के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों कमेंट्स के अंदर लिखिएगा मैं देखता हूं कौन कौन ने सही किया है कौन पढ़ने में इंटरेस्ट है और कौन धक्के धक्के से पढ़ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बिंदास आर के ब्लॉग बोल रहा है सिख टेस्ट करते हैं इंद्रजीत मौर्या बोल रहा है सिख टेस्ट और उसके बाद में पूजा वर्मा सिख टेस्ट रंजीत गुप्ता सिख टेस्ट इंद्रजीत मौर्या सिख टेस्ट दो बार बोल दिया उसके बाद में सिक्स टेस्ट होता है ठीक है सभी ने आंसर सही दिया इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं देखो एग्जाम के अंदर ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जीएनएम बी एस सी एम एस इसके अंदर ही क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन आएगी एनआरएसएम की बहाली के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे कम्युनि सी एच की पोस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे पीजीआई चंडीगढ़ पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट जहां पे भी आप फॉर्म भरोगे ये क्वेश्चन आएंगे आपके आईजीएमएस पटना ये क्वेश्चन आएंगे आपके सभी प्रकार के एम्स एम्स में होने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ये आंसर आएगा आपके काम पर स्टेट की जितने भी वैकेंसी होती है उसके अंदर देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो तैयारी होती है ये तैयारी अभी से ही मजबूत रखना है क्योंकि एग्जाम की जो डेट आती है या कोई भी फॉर्म निकलता है फॉर्म के तीन महीने के अंदर एग्जाम होना संभावित है गवर्नमेंट का तो ऐसा कंडीशन के अंदर तीन महीने के अंदर अठारह बुक्स है उसको पढ़ना असंभव है ये सारी सारी बात आप जानते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर अभी आप ऐसे मेटीरियल बना के रखें ताकि आपका बेसिक क्या रहे मजबूत रहे और उसके बाद में अपन क्या करें और एक्स्ट्रा तैयारी करें ठीक है यदि बेसिक तैयार नहीं हुआ तो उस तीन महीने के अंदर आपका बेसिक ही तैयार होगा इस बात को क्या रखें ध्यान रखें हेलो हाँ हां बोलो आवाज आवे अब विडाल टेस्ट ठीक है तो विडाल टेस्ट करते हैं ये मोस्ट रिलेबल मेथड होता है टाइफाइड के अंदर अब देखिएगा बच्चों इसके अंदर विडाल टेस्ट की बात करें टेस्ट के अंदर जो टाइटर देखते हैं टाइटर और टाइटर के अंदर रेशियो को देखा जाता है ओ एस रेशियो को क्या देखा जाता है ओ एस रेशियो को देखा जाता है हैलो um. हमारे क्लास वाले मैं तो पास बात करूंगी थोड़ी बहुत पंद्रह मिनट बात करू फोन करते हैं आपने देखा होगा कि टेस्ट करते उसके अंदर ओ एस टाइटर को देखा जाता है जब रिपोर्ट को निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जब रिपोर्ट को निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर ओ रेशियो को देखते हैं आपने देखा होगा कि वहां पे वन रेशियो एन रेशियो वन ट्वेंटी वन रेशियो वन सिक्स वन रेशियो टू फोर्टी तो इस प्रकार से उस रिपोर्ट के अंदर ये रेशियो देखते हैं ठीक है ना? ये रेशियो देखते हैं, ये एक टाइटर होता है अब इस विडाल टेस्ट के अंदर भी मैं डिटेल से बात करूंगा वो उस टेस्ट के अंदर करेंगे ठीक है ना तो इसके अंदर देखते हैं ठीक है इसके अंदर वन रेशियो फोर्टी भी होता है फोर्टी भी होता है तो इस प्रकार से इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो कि की जो टाइफाइड है उसका इंफेक्शन है वो किस हिसाब से बढ़ा है या इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है वो कैसी है उसको देखने के लिए ये ओएस को देखा जाता है मान लीजिए कि रेशियो है वन फोर्टी है अब इसका मतलब है कि टाइफाइड के शुरुआती कंडीशन है बॉडी के अंदर टाइवी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ मात्रा के अंदर हो सकते हैं। अभी ग्रोथ नहीं की है, है। मतलब साल टाइफी है उसके जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारे बॉडी के अंदर फैल गए हैं इस कंडीशन के अंदर अपन कह सकते हैं कि टाइफाइड बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर हो रखा है ठीक है ये उसको देखते हैं तो सबसे कंफर्म या मोस्ट रिलायबल मेथड होता है वो होता है without. अब देखिएगा प्रिवेंशन के अंदर सेफ ड्रिंक वाटर एंड यूज वॉश एंड क्लीन वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फूड एक तो ये है इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कंटामिनेटेड वाटर है उसको ध्यान रखना है इसलिए जो भी सब्जियां अब्जियां लाते हैं उसको धोकर करके साफ सुथरी करके लेना है खाना है फ्रूट्स व्रूट है उसको भी अच्छे से धोना है क्लीन विजिट उसके बाद पर्सनल हाइजीन ये जरूरी है maintain personal hygiene, ये जरूरी है उस कंडीशन के अंदर जब ऐसा कंडीशन होता है तो उस मरीज को क्या करना होता है बच्चों ध्यान रखना आइसोलेशन करना जरूरी होता है आइसोलेशन अब आइसोलेशन के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भर कोरोना काल में मरीज को क्या किया गया था आइसोलेट किया गया था आइसोलेशन का मतलब होता है कि ऐसा मरीज जिसके अंदर सीवियर टाइफाइड है उसका इंफेक्शन दूसरे वार्ड में भर्ती मरीजों को हो सकता है इसलिए उसको एक अलग सेपरेट रूम के अंदर रख करके उसका इलाज किया जाए आइसोलेशन कहलाता है उसके बाद में वैक्सीन की बात करते हैं लाइव जीरो पॉइंट फाइव एम एल सबकूटे रूट से टाइफाइड के अंदर फीवर होता है उस कंडीशन के अंदर फीवर के अंदर किस प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है इस कंडीशन में कोई भी एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी है तो ऐसी कंडीशन के अंदर अंदर फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की जो ड्रग्स देते हैं या क्या करते हैं ये जो है ना सेपन ऑफिन देते हैं अब देखिएगा टाइफाइड के अंदर ड्रग्स ऑफ सॉइस ड्रग्स ऑफ सॉइस क्या है सेप्ट्री एक्जोन सेप्ट्रीएक्न है ये ड्रग्स ऑफ सॉइस होती है ये उस सालमोनिया टाइफी के बैक्टीरिया को डेस्ट्रॉय करने के लिए 100 परसेंट सक्षम होता है इसको बोलते हैं ड्रग्स ऑफ सोइस ठीक है तो ये इतनी बातें आपको क्या रखना है ध्यान रखना है अब मैं बात करता हूं कि एक मरीज जो टाइफाइड से ग्रस्त है एक टाइफाइड वाले मरीज है और अपने पास में आता है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अपन क्या ट्रीटमेंट करते हैं अब डॉक्टर एक पूरा झोला भरकर के दवाई देते हैं तो क्या है वो उसका ट्रीटमेंट है क्या वो नेसेसरी है है या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं अब देखिएगा मैं ट्रीटमेंट लिखता हूं उसको आप एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरे को कहीं जगह मिल जाती है जगह यहां पे नहीं मिलेगा अब यहां से मेरे को जगह मिल गई है मैं यहां पे बात करता हूं सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन सेप्ट्रियजॉन वन ग्राम बी डी इंटू सेवन डेज बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि सेप्ट्रियजोन इंजेक्शन है वन ग्राम का इंजेक्शन है बी डी का मतलब दो टाइम देना है टू टाइम्स टू टाइम्स ए डे सुबह शाम देना है और कितना दिन तक देना है सात दिन तक देना है यह बात ध्यान रखना है यदि बच्चा है छोटा बच्चा है तो यहां पे वन ग्राम की जगह डोज क्या कर देंगे सेफ्टी एक्जोन की पांच सौ ग्राम कर पांच सौ एम कर देंगे अब यह तो दे दिया है टू तो प्रिवेंट द इंफेक्शन या किल द बैक्टीरिया क्योंकि ये एंटीबायोटिक है अब उस कंडीशन के अंदर मरीज को क्या आ रहा है बच्चों फीवर आ रहा है तो मैं कहूं कि फीवर की दवाई दे सकते हैं तो टेबलेट डोलो सिक्स फिफ्टी ओब्लिक पैरासिटोमोल जिसको मैं लिख रहा हूं पीसीएम फाइव हंड्रेड एम जी बी डी इन टू थ्री डेज अब इसका मतलब है कि या तो डोलो सिक्स फिफ्टी है या पेरासिटोमोल है तो उसको क्या करेंगे बीडी मतलब होता है सुबह शाम देंगे और उसके बाद में तीन दिन तक देना है अब तीन दिन तक देना ही है है बच्चों ये ध्यान रखना क्योंकि टाइफाइड का फीवर है वो एक आज का आज एंटीबायोटिक पड़ने से नहीं जाएगा अब सुबह शाम तो पड़ेगा पड़ेगा परंतु होता क्या है कि फीवर यदि सीवियर कंडीशन के अंदर टाइफाइड उस मरीज को हो रखा है तो सुबह शाम देकर के बीच में भी देना पड़ सकता है तो डॉक्टर यहां पे क्या लिखते हैं एंड एसओ एस एसओ एस का मतलब क्या हुआ कि जब मरीज को जरूरत हो जब मरीज को जरूरत हो मतलब जब मरीज को बुखार और आ जाए तो ऐसा कंडीशन में दे सकते हैं टेबलेट पैरासिटामोल है वो सुबह शाम तो चल रहा है मान लीजिए सुबह आठ बजे दिया तो शाम को आठ बजे और देंगे परंतु मान लीजिए तीन बजे वापस उसको बुखार आ गया है तो डॉक्टर ने लिखा है एसओएस मतलब जब जरूरत है उसको दो उस टाइम दे सकते हैं तो उस तीन बजे भी उसको मरीज को क्या देंगे पीसीएम देंगे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हो गया अब एक एंटीबायोटिक दिया है तो एंटीबायोटिक जो भी बैक्टीरिया है उसको कम डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है शरीर के अंदर टेबलेट डोलो दी है बुखार को कम करने के लिए आपने देखा होगा कि ऑल टाइप्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स ऑफ द डेंजर बहुत खतरनाक होती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एसिडिटी बन सकती है गैस बन सकती है तो उस कंडीशन के अंदर गैस का इंजेक्शन भी देना जरूरी है साथ में लिखिए इंजेक्शन पेंटा प्रोजोल ये 40 एम का आता है और ये भी देना है बी डी इन टू सेवन डेज क्योंकि जहां जहां तक एंटीबायोटिक चलेगी तब तक उसको एंट, एंटाइसिड आपको देना है तो ये तो हो गया गैस को खत्म कर दिया किया? अब देखिएगा पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायरिया ए कंटिन्यू डायरिया उस कंडीशन के अंदर एफ लॉस ऑफ द फ्लू इन द बॉडी अब बॉडी के अंदर फ्लूड की मात्रा क्या होगी कम होगी जब बॉडी के अंदर फ्रूट की मात्रा कम होगी तो उस कंडीशन के अंदर अपने पानी की बोतल सटाएंगे देखिएगा पानी की बोतल सटाते हैं उसके बाद में यहां पे लिख लेता हूं पहला लिख लेता हूं एन उसके बाद में लिख लेता हूं आर उसके बाद में लिख लेता हूं डीएनएस ये तीन बोतल पानी है अब उस तीन पानी बोतल के अंदर क्या होता है NS होता है उसके अंदर नॉर्मल सलाइन होता है DRL होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और उसके बाद में है डीएनएस मतलब होता है उसके अंदर dextrose होता है। शरीर के अंदर ऊर्जा ताकत मिलती है तो इससे तो मिलेगी ताकत इससे अंदर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम यदि डायरिया के थ्रू चला गया है शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कमी हुई है तो उसको देंगे और यदि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है तो एनएस देंगे ये बातें आपको बच्चों समझ में आ रही है एक बार लाइक कीजिए मेरा ट्रीटमेंट देख करके बच्चों लाइक वाइक करें पहले सारे के सारे लाइक लाइक करें जल्दी मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूं जल्दी से लाइक करें पूरे 84 है तो 84 के 84 लाइक करें ताकि मैं आपको पूरा पूरा आगे लिखूं अभी बहुत सारी दवाई है ताकत की दवाई लिखाऊंगा जल्दी से लाइक करें हाँ लाइक हो रहा है 81 का 81 मेरे को लाइक चाहिए ताकि मैं ताकत की दवाई लिखा और मेरे को ताकत आ जाए आपके लाइक से देखिएगा अब टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को पानी सटाना है अब इसके अंदर एक एक बोतल भी दिन में दे सकते हो दिन के अंदर दो बोतल भी सड़ सकता है ठीक है मरीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग कार्य करना है पेशेंट फ्रॉम उस मरीज को भूख नहीं लग रही है, तो ऐसा कंडीशन के अंदर एक डीएनएस सदा सजा दो हल्की सी ताकत आ जाएगी तो यह दे दिया ठीक है ना इसके अंदर देते हैं या इसको मेंटेनेंस डोज पे भी चला सकते हो है ना थर्टी एम एल थर्टी ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से जाने दो ठीक है मेंटेनेंस डोज मेंटेनेंस डोज होता है मेंटेनेंस है ना मेंटेनेंस पे चलने दो अब उसके बाद में मैं कहूं आपने देखा होगा कि घर वाले आते हैं किसी मरीज के साथ में मरीज तो कुछ बोलता नहीं है परंतु मरीज के साथ में आने वाले जो अटेंडेंस होते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब इसके अंदर ताकत वाली दवाई नहीं डाली जो पीली दवाई है वो नहीं डाली तो डॉक्टर को मजबूरी से उसको डालना होता है ठीक है ना और हो सके कि उस मरीज के लिए जो मल्टीविटाम है वो उसकी है, उसको पूरा करने के लिए तो यदि मैं कि मल्टीविटामिन जिसके अंदर विटामिन है मिनरल्स है उसकी कमी है तो उसको कमी को पूरा करने के लिए इस बोतल के अंदर एक एमवीआई डाल देंगे डीएनएस विथ एम बी आई एमवीआई मल्टी इंजेक्शन मल्टी विटामिन इंजेक्शन जिसको बोलते हैं एम अब ये डाल दिया उसके अंदर पीली दवाई डाल दी अब देखिएगा <coughs> उसके बाद में टेबलेट टेबलेट दे दो कौन सी टेबलेट मल्टी विटामिन मल्टी विटामिन की टैबलेट्स बी डी कौन सी दवाई गलत लिखी मैंने आपको बताया था कि उसका ड्रग्स ऑफ साइज है तो ड्रग्स ऑफ लिए क्या दे दिया, दे दिया. अब इसके अंदर वन ग्राम दे दिया बीडी दे दिया सात दिन तक चलेगा हाथ में क्या लगा दी सुई लगा दी और सुबह शाम दिया जा रहा है उसके बाद में टेबलेट बुखार को कम करने के लिए बुखार को कम करने के लिए डोलो सिक्स दिन तक देना है तीन दिन के बाद में इसकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि बुखार कम हो जाएगा और यदि रिक्वायरमेंट होता है तो मैंने यहां पे डॉक्टर साहब ने लिख दिया है एसओ लिख दिया है मतलब जरूरत है तो आप दे सकते हो अब उसके बाद में बात करते हैं बच्चों पेंटाप्रोजोल ठीक है ना अब पेंटाप्रोजोल जब आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक हो रही है इसका कोई काम नहीं है पेंटाप्रोजोल का कि शरीर के अंदर ताकत दे देगा ठीक है ना पेंटाप्रोजोल शरीर के अंदर जो भी दवाई जा रही है उस दवाई की वजह से एसिडिटी बनती है गैस बनती है उस गैम को गैस को क्या करेगा इनहिबिट करेगा रोकने का काम करता है और यह बहुत जरूरी है तो इसलिए पेंटाप्रोजोल दे देते हैं पेंटाप्रोजोल दे दो या इसकी जगह रेबोफ्रोजोल भी आता है रेबो फ्रोजोल रेबो फ्रोजोल आता है बच्चों आपके लिए एक मैं ऑफर ला रहा हूं जिसके अंदर मेरे एप्लीकेशन पे ये सारे सारे जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है कुछ दिन का टाइम है उसके बाद में आप पूरे एक प्रॉपर तरीके से जैसे कि फार्माकोलॉजी है क्या होता है किस प्रकार से दवाइयां किसके अंदर कैसे देते हैं क्या करते हैं सारी सारी बात उस, बातें उसमें लिखी हुई है उसको आप मन साए जितने भी क्लासे आप वापिस ज्वाइन कर सकते हो सारे सारी उसके अंदर रिकॉर्डेड है ठीक है तो कुछ टाइम के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा और आप अपने आप वहां से देख सकते हैं तो रेबोफ्रोजोल देबोफ्रोजोल रेबो आता है वो ट्वेंटी एम का आता है ठीक है ट्वेंटी एम का आता है और पेंटाफ्रोजोल आता है फोर्टी एम का आता है अब उसके बाद में डीएनएस एन आर दे दिया उसके बाद में टेबलेट मल्टीविटामिन की दे दिया ठीक है ये एक टाइफाइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट है बच्चों ये एक टाइफाइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट है बच्चों इस बात का क्या रखें ध्यान रखें ठीक है तो आज अपने टाइफाइड के अंदर जो क्वेश्चन के बारे में बात किया जो टाइफाइड के बारे में बात किया इसके अंदर क्वेश्चन कौन से इंपोर्टेंट है लिख लीजिएगा पेन को खोल के सबसे पहले उसका कैजुट ऑर्गेनिज्म एक क्वेश्चन दूसरा है उसका इंक्यूबेशन पीरियड दो क्वेश्चन तीसरा है उसके फीवर फैशन फैशन के हिसाब से फीवर ये इतनी बातें आपको टाइफाइड के अंदर रखनी रखनी है है याद है। अब क्लास सेकेंड ईयर के लिए क्लास स्टार्ट होने वाली है और सेकेंड ईयर की क्लास के अंदर बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो उसके अंदर बहुत सारे कॉमन सिम्टम है उस मरीज को देखने को मिलता है तो उस क्लास को जैसे ही ये क्लास डिस्कनेक्ट होगी मिनट का रेस्ट लूंगा और क्लास वापस स्टार्ट हो जाएगी क्लास जीएनएम सेकंड ईयर के लिए तो ये भी क्लास आप ज्वाइन करें ताकि उसके अंदर बहुत सारे बेसिक सिम्टम है जो आपके अंदर भी देखने को मिलेंगे ठीक है साइकेटिक डिसऑर्डर के अंदर होता है ठीक है तो आज इतना ही धन्यवाद